टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए 13 शतक लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत से लेकर आज तक केवल 27 बल्लेबाजों ने ही 13 शतक लगाने का कारनामा हासिल किया है, जिसमें से 4 बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, ब्रायन लारा ने 2 बार 13 शतक लगाने का कारनामा हासिल किया। पर क्या आपको पता है सबसे पहला 13 शतक कब और किसके द्वारा लगाया गया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला 13 शतक एंडी सैंडहैम द्वारा वेस्टइंडीज के खिलाफ 1930 में लगाया गया था। सैंडहैम ने यह 325 रनों की पारी 39 साल उम्र में खेली थी, जो कि सबसे अधिक उम्र में 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। 6 जुलाई 1890 में जन्मे सैंडहैम ने इंग्लैंड के लिए अपना डेब्यू 1921 में किया। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने महज 14 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतकों के साथ कुल 879 रन बनाए। 1930 में उन्होंने अपने अंतिम टेस्ट मैच में 13 शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।